वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे कुरकुरे खाकर अब 2 GB डेटा या फिर 1 GB डेटा पा सकते हैं। अगर 10 रुपये का आप कुरकुरे खाएंगे या 10 रुपये का कोई लेस वगैरह का चिप्स खाएंगे तो आप 1 GB डेटा पाएंगे, और वहीं पे अगर 20 रुपये के आप खाएंगे तो वहाँ पे 2 GB आपको डेटा मिलेगा। अब ये जो डेटा देने का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो ये आपको देखिए हर पैकेट में आपको नहीं मिलेगा, वो स्पेशल नेट पैक वाला ही आपको चूज़ करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बाज़ार में आपको लेस चिप्स या कुरकुरे वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो कुरकुरा आपको लेना है जिसमें आपको नेट पैक मिलता है। अगर वो कुरकुरा आपका है, लाइक देखिए मेरे पास एक कुरकुरा है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक डोरीटोस का, ये देखिए यहाँ पर डोरीटोस लिखा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल का, एयरटेल की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से दिख रहा है कैमरे की वजह से। यहाँ पे देखिए एयरटेल में 2 GB फ्री डेटा यहाँ पे लिखा है, तो ये 20 रुपये वाला है इसलिए इसमें 2 GB डेटा फ्री दे रहा है। और इसी तरह के लेस चिप्स भी आते हैं जिसमें 1 GB और 2 GB के दो तरह से आते हैं, तो आप वहाँ से भी 2 GB या फिर 1 GB पा सकते हैं। और दोस्तों इसे कैसे लेना है, कैसे 2 GB पाना है, क्या क्या इसके लिए हमको रूल्स या कौन कौन से स्टेप अपनाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो कोई फेक नहीं है क्योंकि मैंने खुद 3 GB डेटा इसमें से लेकर इस्तेमाल किया है और फुल हाई स्पीड में डेटा में चलता है। और दोस्तों अगर आप एयरटेल यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए ये वीडियो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एयरटेल यूज़र्स के लिए ही सिर्फ है, दूसरे यूज़र्स के लिए नहीं है, लाइक जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एयरटेल के लिए है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर के चिप्स को खाएंगे जमा के, इसके बाद हमको वहाँ पे कोड मिलेगा अंदर में, उस कोड को कैसे इस्तेमाल करना है ये सारी चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से कुरकुरे को ओपन करते हैं और जान लेते हैं कि इसमें कोड कहाँ है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। इस चिप्स के कुरकुरे को मैंने फाड़ लिया है और फाड़ने के बाद देखिए यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर कोड मिलेगा हमको, इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं इसका चिप्स निकला है और चिप्स निकला है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में मैंने यानी कि पीछे साइड में आपको कोड मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 अंक के कोड है, वो भी कैपिटल में भी है और अंक में भी है, यानी ये कुल मिला के दोनों मिला के मिक्स किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। यही कोड को मैं अभी वहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे फटाफट पहले मैं आपको अपने मोबाइल में नेट पैक चेक करा दूँ ताकि आप ये ना कहें कि पहले से आपके पास नेट पैक था। तो सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ओपन हुआ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडिटी दिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन डेटा बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कितना MB है और क्या है सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली पैक में से 2 MB बचा है जो 1.5 GB देता था, और तो दूसरा में देख सकते हैं 4G में 664 MB और टोटल मिला के 666 MB है। अब चलिए वापस चलते हैं इसको बैक आने के बाद दोस्तों फिर से एक बार और बैक आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में तीसरे नंबर में ऑप्शन आता है माई कूपन का, तो आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा हैव अ कूपन, आपके पास कूपन है तो दोस्तों मेरे पास कूपन है, चलिए वही कुरकुरे के पन्ने के पीछे का जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया था, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं क्या कूपन है, तो उसी नंबर को वहाँ पर आके ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर उसका यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखिए ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइड में क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस क्लेम के ऑप्शन पर जब हमारा पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा पूरा हो चुका है, आप क्या करेंगे क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका वाउचर क्लेम सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर टू रिडीम योर न्यूली एडेड कूपन बिफोर एक्सपायरी, यानी कि आपको एक्सपायरी होने से पहले इसको रिडीम कर लेना है, यानी कि अभी आपको सक्सेसफुल हो चुका है यह चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले भी यहाँ से लिया था 1 GB और 2 GB, तो नीचे में देख सकते हैं 1 GB लिया था वो भी कुरकुरे लेस से ही लिया था, और दूसरा भी आप देख सकते हैं 2 GB इसको भी लिया था, ये भी कुरकुरे वाले से ही लिया था, तो 2 या 3 GB यानी कि मैंने इसको 3 GB पहले इस्तेमाल किया, इसके बाद ये वीडियो बना रहा। अब देखिए अभी जो 2 GB मिला वो सबसे ऊपर में है जो रेड कलर में शो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसी पर क्लिक करेंगे और इसकी फैसिलिटी, इसके ऑफर्स के वैलिडिटी वगैरह जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, तो इसके प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एलिजिबिलिटी यानी किसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एयरटेल यूज़र्स के लिए एलिजिबल है। और दूसरा सेकंड ऑप्शन आता है ऑफ़र डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि ऑफ़र डिटेल्स में हमको क्या क्या मिलता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफर डिटेल बता रहा है कि ये जो आपको GB मिलेगा डाटा मिलेगा वो 3 दिन के लिए स्पेशल रहेगा, ठीक है। और सबसे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी, तो ये जो कुरकुरे का पैकेट है उसकी वैलिडिटी है 2021 तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे रिडम का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और जिससे प्रोसेस लेगा यहाँ देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है वाउचर रिडेम्ड, यानी कि आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है 2 GB डेटा। यहाँ से बैक आते हैं और पूरी तरह से यहाँ से बैक आ जाएंगे, यानी कि होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ से जो रिसेंट टैब अभी जो एयरटेल थैंक्स ऐप का था उसको यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको हटाने के बाद नोटिफिकेशन बार को ओपन करेंगे और यहाँ से सीधा मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देंगे, ठीक है। ये फ्लाइट मोड हो चुका है, फिर से इसे फ्लाइट मोड को ऑफ़ कर देंगे। अब इसे ऑफ़ करने के बाद दोस्तों फिर से एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करेंगे। रात के 12 बज चुके हैं और मुझे अभी 1.5 GB मिलने वाला है, यानी कि 600 MB पहले का और 1.5 GB अभी का, यानी कि 2 GB डेटा हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आप मत समझिएगा कि मुझे बैकअप बना रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो डेटा बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, यहाँ पर देखिए 2 GB हो चुका है, यानी कि 1 GB 1.5 GB मेरे को जो पर डे मिलता है वो है और 600 MB है, यानी 1.5 GB हो चुका है दोस्तों। अभी भी मुझे 2 GB नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करेंगे और 10 मिनट के बाद इसे वापस चेक करेंगे। तो चलिए मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद इसे 10 मिनट के बाद फिर से इसे चेक करते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है, मैंने इसे रीस्टार्ट भी कर दिया, और फिर से इसके डेटा बैलेंस को चेक करते हैं। तो डेटा बैलेंस को चेक करने के वैलिडिटी पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डेटा बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एक बार रिफ़्रेश करेंगे दोस्तों। चलिए रिफ़्रेश करके देखते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर दिया, यहाँ पे नहीं आया, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही दोबारा रिफ़्रेश किए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4 GB डेटा हो चुका है, और यहाँ पे देखिए टोटल के नीचे 4G जो डेटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं 2.6, यानी कि 2 GB अभी का पहले का 600। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं था, ये रियल वीडियो था, 100% वर्किंग वीडियो था, क्योंकि मैंने आपके सामने ये सब चीज़ें करके दिखाया और 2 GB लिया भी, और पिछले मैंने जो जितने GB लिया था वो सारी चीज़ों का सबूत आपके सामने दिखाया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बार जब भी आप कोई कुरकुरे खाइए या कोई भी चिप्स लीजिए, तो वो चिप्स लीजिए जिसमें नेट पैक फ्री मिलता हो, और नेक्स्ट बार जब भी कुरकुरा या चिप्स खाइएगा तो ज़रूर 2 GB या 1 GB लेके रहिएगा, ऐसी पन्नी को फेक मत दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।